हमारे जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज के रिपोर्टर बालेश्वर कश्यप ने जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कैथा जाकर सर्वे किया तो क्या पाया जानते हैं। जिला जांजगीर चांपा से 60 किलोमीटर दूर हसौद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैथा, जहां बरसों से विरित्या बाबा का नाम प्रचलित है, वहां हमारे एशियन न्यूज़ के संवाददाता पहुंचे तो वहां के लोगों ने विरित्या बाबा के बारे में बताया कि वहां विरित्या बाबा के दरबार में जिस किसी भी व्यक्ति को जिस सांप ने काटा हो उसको लेकर यहाँ आते हैं तो वह ठीक हो जाता है, उनको सांप के जहर का कोई प्रकार का असर नहीं पड़ता। लोगों ने बताया कि बहुत दूर दूर से विरित्या बाबा का नाम प्रसिद्ध है, यदि कहीं जगह भी किसी सांप ने किसी को डस लिया है तो वह उसी जगह के मिट्टी को विरित्या बाबा के नाम से खा लेता है तो पर भी सांप का जहर उतर जाता है, ऐसा मान्यता है। तथा विरित्या बाबा के दरबार में हर रोज बहुत सारे लोग आते हैं और दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हर प्रतिवर्ष यहाँ नाग पंचमी के दिन नाग देवता और विरित्या बाबा का पूजा अर्चना किया जाता है तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में आते हैं। लोगों ने बताया कि जिस किसी भी मनुष्य को सांप ने काटा हो और वह विरित्या बाबा के दरबार में आता है तो मंदिर में उसको सुलाया जाता है तथा बाहर से पर्दे को खींच दिया जाता है और बाहर से ही पुजारी विरित्या बाबा का जय जयकारा लगाता है। तत्पश्चात कुछ ही देर में वह व्यक्ति ठीक हो जाता है जिसे सांप ने काटा हो और उसका जहर उतर जाता है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर बालेश्वर कश्यप के साथ। नमस्कार, मैं बालेश्वर कश्यप। हम आ चुके हैं ग्राम कैथा में, जहां सर्प काटने से एक चुटकी मिट्टी खिलाने से ठीक हो जाते हैं। पूरा जानकारी लेते हैं बाबा जी से। बाबा जी, इसका जानकारी बताइए। जानकारी मैं आप लोगों को यही दे रहा हूँ थोड़े से रूप में। यहाँ दूर दूर के लोग सर्प विजू काटने से आते हैं लेकर के, और बाबा के चरणों में आते हैं, उनको हम थोड़ा सी मिट्टी खिला देते हैं और नारियल अगरबत्ती जला देते हैं तो बाबा की कृपा से, उसके आशीर्वाद से वे स्वस्थ होकर चले जाते हैं। यहाँ तक ये उड़ीसा है, बिहार है, जम्मू है, कश्मीर है, कोरबा, जितना क्षेत्र है बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, स्वस्थ होकर के बाबा की कृपा से चले जाते हैं। मैं इतना ही बता सकता हूँ, आदि से, अभी से नहीं, आदि से यहाँ का स्थापना है भगवान का, और लोग आते हैं सदियों से, पूजा करते हैं और स्वस्थ होकर चले जाते हैं, दुखियों का दुख समाप्त हो जाता है। और आप लोगों को तो ज़्यादा नहीं बतला सकता, केवल अभी मेरे समय नहीं है, अभी और मरीज खड़ा है, उनको भी समय निकालना है, इसलिए आप लोगों से मैं इतना ही मालूम दे रहा हूँ।